अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच हैं पंकज कुमार मिश्रा जी, और जानते हैं एमपीपीएससी की जर्नी कैसे स्टार्ट की और कैसे ये सफर जो है आज इस मुकाम तक पहुंचा कि इन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में डीएसपी जैसी पोस्ट को प्राप्त किया है। तो इस समय वैसे भी आप देख रहे हैं इस COVID-19 पेंडेमिक सिचुएशन में पुलिस डिपार्टमेंट एक इकलौता ऐसा डिपार्टमेंट रहा जिसने कम्युनिटी पुलिसिंग का भी पूरा ध्यान रखा कि जितने लोग माइग्रेशन में थे, जितने प्रवासी मजदूर थे जो अलग अलग राज्यों से मध्य प्रदेश होते हुए अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे थे, उस पूरी सिचुएशन में उनके खाना पानी चप्पल सारी जितनी जरूरी आवश्यकताएं थी उनको पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी जो है पुलिस विभाग ने उठाई। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई सर इस अनूठे कार्य के लिए जो पुलिस डिपार्टमेंट ने जो जिम्मेदारी अपनी दिखाई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। और मैं भी सभी को बधाई देता हूँ, इसलिए कि हम सभी लोगों ने इस COVID-19 एपिडेमिक प्रॉब्लम के दौरान सभी ने मिलजुल कर बहुत अच्छे से हमने प्रयास किया इसमें, और इसके संक्रमण को फैलने से बहुत हद तक हम रोक सके हैं। तो इसके लिए आप सभी लोग भी बधाई के पात्र हैं, और मैं आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे और अन्य सभी लोग भी स्वस्थ होंगे, और इस लड़ाई को ऐसे जारी रखेंगे हम, और निश्चित तौर पर अपने पूर्ण स्वतंत्रता वाले वो पूर्ण के नियम को वापस लाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसा कि सर मैं प्रोफाइल देख रहा था, आप बी ग्रेजुएट है सिविल इंजीनियरिंग, एमपीपीएससी 2015 आपका पहला अटेम्प्ट था जिसमें आपको सिलेक्शन भी मिला है, और मार्क्स पर जब ध्यान जाता है तो मेंस में 815 नंबर, इंटरव्यू में 145 नंबर, अपने आप में ये रिकॉर्ड मार्क्स है। तो ये जो पीएससी की जर्नी है ये कैसे शुरू हुई, क्योंकि एक इंजीनियर से और पीएससी तक का सफर कैसे तय किया? मेरी मतलब मेरा नॉर्मली जो जर्नी थी इसमें बहुत प्री प्लांड नहीं थी बाकी लोगों के कंपेरिजन में। मैं इंजीनियरिंग के टाइम पे नॉर्मली इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज होती है, आईएएस यूपीएससी की कंडक्ट होती है, तो मैं इवन फाइनल ईयर स्टार्टिंग में भी उसी की प्रिपरेशन कर रहा था, उसी कोचिंग में जा रहा था, उसी फील्ड में था। बट मेरा फ्रेंड था, तो मैं उस फ्रेंड को काउंसलिंग कराने के लिए लेकर के गया था कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स वगैरह इन सब के लिए। तो उस दौरान मुझे भी उसके बारे में जानने को मिला कि अच्छा ये एग्जाम्स होती है उनके थ्रू, ऐसे जितनी भी जॉब्स हैं ये पोस्ट वगैरह ये इनके थ्रू मिलती हैं। तो पहले मैं भी उतना अवेयर नहीं था, बाद में मुझे अवेयरनेस मिली। तो फिर जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, लगभग 1 अक्टूबर के आसपास की बात है। और उस टाइम 15 में ऐसा था कि एग्जाम भी बहुत जल्दी थी कंडक्ट हुई थी, उसका प्रीलिम्स 3 महीने बाद हो गया था हम लोग का 24 जनवरी के आसपास, और मेंस भी 22 अप्रैल के आसपास कंप्लीट हो गया था। तो तैयारी का समय कम था, लेकिन ये था कि एक जुनून था, एक जज्बा था, इंटरेस्टिंग चीजें थी और अच्छा गाइडेंस मिला हम लोगों को, तो इन सबके कारण और बहुत हार्डवर्क भी किया हम लोगों ने, एक फ्रेंड सर्कल अच्छा था, तो इससे ये था कि उस जर्नी में बहुत एंजॉय करते हुए हम लोगों ने पढ़ाई की, तो उसके कारण ये सफलता भी मिली। जी जी सर, जनरली कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं सभी से मैंने पूछे, जैसे प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी है, मेंस की स्ट्रेटजी है। तो जब आपने बी कंप्लीट किया और फिर जब सिविल सर्विस की ओर बढ़े, जैसा कि एक एक्सीडेंटल एक टर्न था, तो प्रीलिम्स और मेंस इसकी प्रिपरेशन को लेके क्या रणनीति आपने अपनाई, क्योंकि ये पूरा सिस्टम आपके लिए बिल्कुल नया था। जी हाँ, निश्चित तौर पर चीजें नई थी हमारे लिए, लेकिन ये था कि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जब आप जनरल नॉलेज की चीजें जानते हैं तो बहुत इंटरेस्ट आता है, अपने आसपास की चीजों को जानते तो बहुत इंटरेस्ट आता है। तो स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से निश्चित तौर पर ये एग्जाम बहुत टफ एग्जाम है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लाखों लोगों में से आपको टॉप 50 टॉप 100 में आना होता है, तो इसके लिए बहुत डेडिकेशन बहुत हार्डवर्क मांगती है एग्जाम। और इसमें भी ऐसा है कि आप जिनसे कम्पीट कर रहे थे वो अपनी अपनी अलग अलग फील्ड से टॉप ब्रेन से आप कम्पीट कर रहे होते हो, तो ऑब्वियसली इसमें बहुत सिंसियरली इस एग्जाम की प्रिपरेशन की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको बहुत स्मार्ट स्ट्रेटजी की जरूरत है कि हम मैक्सिमम टाइम अपना जितना भी समय हमें मिल सकता है उस टाइम को हम कितने अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन के दौरान मेरी मेन स्ट्रेटजी ये रहती थी, इवन तीनों मतलब प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू सभी के लिए, कि सबसे पहले ये चीजें आपको डिसाइड करना होता है कि क्या चीजें आपको पढ़ना है क्या चीजें नहीं पढ़ना है। यहाँ पे ना क्या चीजें नहीं पढ़ना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीजें हैं, यदि आप फिल्टर आउट नहीं कर पाएंगे चीजों को तो आप हर चीज एक एट अ टाइम अपने माइंड में नहीं रख पाएंगे। तो इसके लिए सबसे जरूरी होता है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है उनको एनालिसिस करें, जो आप किसी भी सोर्स जिस भी सोर्स से आप एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं पढ़ रहे हैं, तो उन सोर्स पे आप ट्रस्ट करें, उस सोर्स पे भरोसा करें, और उनकी जो भी बुकलेट्स हैं चीजें हैं तो आप उनको प्रॉपर रिवाइज करें, पढ़ें, जो भी आपके टीचर्स हैं मेंटर्स हैं वो आपको जैसे गाइड करते हैं तो उसको फॉलो करें। तो एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है।
तो प्रीलिम्स के टाइम पे मतलब मैं व्यक्तिगत तौर पे प्रीलिम्स को सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ। जी कारण ये है कि प्रीलिम्स में ही एक तरह से मेंस और इंटरव्यू का बहुत बड़ा पोर्शन होता है। जी मेंस में भी जब हम मेंस का राइटिंग करते हैं तो निश्चित रूप से प्रीलिम्स फैक्चुअल है, मेंस एनालिटिकल होता है, लेकिन उस एनालिसिस का पार्ट होता है कि जैसे आप कोई भी बातें कह रहे हैं तो उसको फैक्ट सपोर्ट करती है, तो आपको उन चीजों के साथ फैक्ट डालने पड़ते हैं तो आपकी बातें ऑथेंटिक हो जाती है। तो ये जी फैक्ट वगैरह तो सब प्रीलिम्स के टाइम पे ही हम पढ़ पाते हैं, मेंस के समय में इतना समय नहीं होता है कि हम वो एनालिसिस वाली सारी चीजें पढ़ने के साथ साथ फैक्ट भी कवर कर सकते हैं। जी तो इसलिए प्रीलिम्स पे बहुत फोकस करना चाहिए। इवन इंटरव्यू के टाइम पे भी बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपकी प्रीलिम्स फील्ड से बेस्ड होते हैं, जिनके बेस पे आपको एनालिसिस करना होता है। यदि आपको फैक्ट्स ही नहीं पता होंगे तो आप एनालिसिस इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। जी तो इसलिए प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। प्रीलिम्स में केवल ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हम किसी तरह से उसका जो कट ऑफ है वो कट ऑफ क्लियर करेंगे। प्रीलिम्स में उद्देश्य होना चाहिए कि हम सारी चीजों को मेमोराइज करके रख सके, जिससे कि हम मेंस में अपने बहुत फैक्ट रिच आंसर लिख सके जी और जिसमें हम एक्स्ट्रा गेन करें, और इंटरव्यू के टाइम पे भी हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं जिन फैक्ट याद होती है। जी तो इसके लिए जरूरी है कि हम प्रीलिम्स पे बहुत फोकस करें। और साथ ही जब इवन मेंस राइटिंग के दौरान भी आपको जैसे किसी भी यदि मेंस आप लिख करके एग्जाम मेंस की एग्जाम हुई तो उसमें जो इंग्लिश लिटरेचर है उनके सामने आपका माइंड तो जा रही है, ज्ञान जा नहीं रहा है, जा रही है आपकी कॉपी, तो आप कितना ज्ञान उस कॉपी में उतार सकते हैं ये मायने रखता है, क्योंकि मार्किंग उसी के बेस पर होनी है। तो जी इसलिए आपके नॉलेज के साथ साथ आपकी राइटिंग स्किल बहुत मायने रखती है। राइटिंग स्किल में भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि अब एक यूनिफॉर्मेलिटी को थोड़ा ब्रेक करें, कहीं में फ्लो चार्ट डायग्राम से सब का यूज करें तो थोड़ा वैरायटी आती है कॉपी में, कॉपी देखने में अच्छी लगती है। तो जी लिखने का पैटर्न, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है पूरी प्रोसेस के दौरान। तो आपको सुनाव सुनाने सीखे, रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी है पढ़ाई के दौरान, तो इन सब चीजों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं। जी जी सर, डीएसपी पोस्ट के लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी सेट किए गए हैं और कुछ एज लिमिट को लेके भी तमाम क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो सुन रहे हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे अगर चश्मा पहनते हैं तो कितना अलाउड है, क्या किस तरीके की चीजें होती हैं। इसमें एज सच बहुत बड़ा फिजिकल बैरियर है नहीं, यहाँ पे केवल हाइट का है कि आपको हाइट एक निश्चित हाइट होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर और हाइट है उसकी, और जी चेस्ट का है कि आपको मिनिमम 80-85 चेस्ट होना चाहिए आपका। तो मेन यही क्राइटेरिया है हाइट चेस्ट की। और बाकी जो मेडिकल में जैसे आपने ग्लासेस की बात की तो उसमें भी ऐसा कि यदि ग्लास लगाने के बाद भी आपका 6x6 विजन आ रहा है तो भी आप एलिजिबल है। तो बहुत कुछ एज सच फिजिकल क्राइटेरिया है नहीं, वो सब अंडर ट्रेनिंग, जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं अकेडमीज में तो वहाँ पे आपको ट्रेन किया जाता है, वहाँ पे आपको सुबह 4 बजे से जो प्रोसेस शुरू होती है शाम के 9-10 बजे तक, इवन कई बार रात को उठा के आपको जी ट्रेनिंग प्रोसेस में चीजें मुश्किल में कराई जाती हैं, तो उस दौरान ट्रेन कर देते हैं। मतलब फिजिकली आपको वो बाद में फिट कर लेंगे, बहुत ज्यादा फिजिकल रिक्वायरमेंट्स अभी रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में नहीं रहती है, बस एक बेसिक क्राइटेरिया है कि आपको इतने फिजिकल मापदंड है वो पूरे करने चाहिए। ग्रेट ग्रेट सर, जब ट्रेनिंग आप कर रहे होते हैं तो ट्रेनिंग कितनी इंजॉयिंग होती है डीएसपी की, क्या क्या एक्टिविटीज आपको करने को मिलती हैं, क्या क्या मोटिवेशन रहता है, क्या फिजिकल चीजें कवर हो पाती हैं, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल नए होते हैं जो कभी फिजिकल पर ध्यान नहीं देते हैं, करते नहीं है, एकदम से ट्रेनिंग पार्ट में आना कितना चैलेंजिंग होता है। ट्रेनिंग व्यक्तिगत तौर पे मैं जैसा मानता हूँ कि आपके पूरे लाइफ में सबसे मतलब इम्पोर्टेंट टाइम होता है, सबसे इंजॉइंग पीरियड होता है वो, क्योंकि जी उस टाइम पे आपको एक ऐसा समय मिलता है जब आप अपने लगभग जितने भी लोग हैं 50-100 लोगों के बैच में आप एक साथ रहते हैं, उनके साथ बहुत सी अलग अलग एक्टिविटीज होती है, फिजिकल एक्टिविटीज है, इनडोर एक्टिविटीज है, आउटडोर एक्टिविटीज है, इन सब पीरियड आप पार्ट करते हैं, तो बहुत से ऐसे मोमेंट होते हैं जब आप बहुत इंजॉय करते हैं लोगों के साथ, क्योंकि आफ्टर ट्रेनिंग कभी ऐसा समय नॉर्मली नहीं मिल पाता है जब आप अपने साथ के अपने दोस्तों के साथ इतने लोगों के साथ अब एक साथ कभी भी रह पाए एंजॉय कर पाए। तो जी ट्रेनिंग बहुत एंजॉइंग पीरियड होता है, बहुत सी चीजें हम नई सीखते भी हैं, ऑब्वियस सी बात है, शेड्यूल नो डाउट हेक्टिक रहता है, लेकिन चूंकि एक ऐसा ग्रुप बन जाता है, टीचिंग एनवायरमेंट ऐसा होता है कि उन चीजों को एंजॉय करके बहुत मतलब मस्ती के साथ चीजें कंप्लीट हो जाती है मेरे एक ईयर में। शेड्यूल में जरूर ऐसा है कि कई बार जैसे आप स्टार्टिंग में जब जाते हैं तो आपको 4 बजे उठना पड़ता है, 4:30 बजे फॉलिंग होता है सुबह ग्राउंड पे, तो ऑब्वियसली शुरू में जब हमारे बायोलॉजिकल साइकिल ऐसे सेट नहीं रहते हैं तो हेक्टिक लगता है, कई बार जी प्रॉब्लम जाती है उठने में, उठने के बाद दिन भर वो रिफ्रेशमेंट नहीं रहता है, बट कुछ दिन में 10-15 दिन में सब चीजें नॉर्मल हो जाती हैं और फिर बहुत इंजॉय करने लगते हैं ट्रेनिंग को। जी ग्रेट। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है और आपको पहली पोस्टिंग दी जाती है तो वो प्रक्रिया किस तरीके से होती है, पहले आपको किस प्रकार की पोस्टिंग दी जाती है, फिर उनमें चेंजेस भी होते हैं, मैंने सुना पहले SHO पार्ट भी कंप्लीट करना होता है, मतलब किसी थाना प्रभारी का चार्ज भी देखना होता है,
तो क्या प्रक्रिया है और क्या-क्या चीजें हैं उसमें आपको सीखने को मिलती है? इसमें मतलब ऐसा प्रोसेस ऐसी है ओके, एज अ डीएसपी जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो सिलेक्शन के बाद जो लिस्ट जाती है मंत्रालय में, तो वहां जी से आपको डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट अलॉट होता है। तो सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड होते हैं, वहां पे जाते हैं 10-15 दिन, वहाँ की बेसिक चीजें देखते हैं कि आपके बेसिक कुर्सिंग है क्या, क्योंकि इस फील्ड में आने में कई लोग ऐसे होते हैं जो कभी लाइफ में खाने भी नहीं जाते हैं। इवन मैं अपनी बात बताऊं, मैं सिलेक्शन से पहले कभी जीवन में खाने भी नहीं गया था। तो जी कुछ बेसिक चीजें आपको दिखाई जाती है, जिससे कि ट्रेनिंग के दौरान जब वो सारी चीजें समझाई जाए तो थोड़ा को रिलेट कर सके, वो चीजों को इमेजिन कर सके, आपकी इमेजिनेशन में चीजें आ सके। तो इसके जी लिए स्टार्टिंग में 10-15 दिन कुछ दिन डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं हम लोग पोस्टेड होने के बाद, और जो सारी बेसिक चीजें एक बार देख लेते हैं तो फिर ट्रेनिंग का कॉल आ जाता है। तो लगभग 1 साल की हम लोग की अकेडमी की ट्रेनिंग होती है, जिसमें जो भी रिलेटेड लॉज है, मैनेजमेंट है, ये सारी चीजें सिखाई जाती है जो फील्ड में हमें जरूरत में आनी है। जी आउटडोर एक्टिविटीज बहुत सी कराई जाती है ताकि फिजिकली फिट रह सकें, क्योंकि पुलिस की नौकरी ऐसी है जिसमें कई बार आपको 2-2, 3-3 दिन लगातार आप फील्ड पे रहते हैं, तो आपको जी फिजिकली एक्टिव होना बहुत जरूरी है। कई एक्टिविटीज ऐसी होती है, कई बार आपको दौड़ना पड़ता है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, तो फिजिकली एक्टिव किया जाता है। इवन वेपन एंड टैक्टिक्स की ट्रेनिंग कराई जाती है कि कभी ऐसी सिचुएशन हो गई तो आप उसको हैंडल कर सकें, सारी चीजें। जी तो मेन एकेडमिक पीरियड जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फिर फील्ड पे हम लोग वापस आते हैं। तो 7 महीने का फील्ड का ट्रेनिंग शेड्यूल रहता है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट का अटैचमेंट होता है, जैसे कलेक्ट्रेट अटैचमेंट, कोर्ट अटैचमेंट, फिर एसपी ऑफिस अटैचमेंट होता है, कि बेसिक पुलिस में फील्ड में जो क्या काम चल रहा है, ऑफिस में क्या काम चल रहा है, इंटर डिपार्टमेंटल क्या रिलेशन है पुलिसिंग का जी और अदर डिपार्टमेंट्स का, तो ये जी सारी चीजें सीखते हैं। और फिर उसके बाद 3 महीने हम लोग का थाना प्रभारी पीरियड होता है, क्योंकि एक ग्राउंड लेवल पे जो प्रॉपर वर्किंग चल रही है वो थाने स्तर पर चल रही है, तो जब तक वो चीजें करके आप नहीं देखते तो उतनी अच्छी तरीके से समझ नहीं सकते। तो इसके जी लिए आपको फील्ड ट्रेनिंग में एज अ एसएचओ बनाया जाता है, तो 3 महीने आप एसएचओ पीरियड में भी रहते हैं, स्थानीय का पूरा मैनेजमेंट करते हैं, और इसके बाद फिर फुल फ्लेश पोस्टिंग जाती है, तो एज एस डी ओ, बीसीएसपी या अदर डीएसपी, फिर जी उसके बाद ऑफिस। ग्रेट ग्रेट सर, जनरली जैसे आपने बताया कि आप अपने दोस्त को लेके गए थे कोचिंग के लिए और वहां से आपने अपना एक माइंडसेट तैयार किया, तो जनरली कोई ना कोई एक पर्सन जरूर होता है जो वर्किंग होता है उस फील्ड में, हम उसे देखते हैं काम करते हुए तो हम काफी इंस्पिरेशन हमें मिलता है, मोटिवेशन मिलता है काम करने का। कोई ऐसा पर्सन रहा आपकी लाइफ में जिसने आपको मोटिवेट किया हो, या पुलिसिंग में ऐसे व्यक्ति को कभी ऑब्जर्व किया हो जिनसे आप काफी ज्यादा प्रभावित हो? ऐसा पर्सनल तो नहीं था, पर बचपन से ही जैसे हम आसपास भी देखते हैं, तो मैं जब रहता था कस्बे में तो वहां पे भी पुलिस ऑफिसर्स को देखता था, तो मुझे वो बहुत मोटिवेशन, मुझे यूनिफॉर्म पोस्ट का पहले से बहुत इंटरेस्ट था। मैंने एनडीए भी, एनडीए का एसएसबी भी दिया था, जी तो उसमें भी मैं लास्ट स्टेज में कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, शायद आज मैं आर्मी में हूँ। जी तो मुझे बचपन से ही यूनिफॉर्म पोस्ट का क्रेज था, जब मैं पुलिस ऑफिसर को देखता, इवन अदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी, जो लोग अपना पूरा समय सोसाइटी के लिए दे रहे होते हैं, बहुत सी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बहुत सी चीजें कर रहे होते हैं, तो वो चीजें मुझे प्रेरित करती थी। तो बैक ऑफ द माइंड मेरे ये चीजें थी कि मुझे ये चीजें ऐसा, मतलब यहाँ पे मैं होता तो मुझे मतलब मैं कुछ अच्छा कर पाता है सारी चीजें, जी बट चूंकि उतना प्री प्लान्ड था नहीं मेरा, मतलब पूरे प्रोसेस था, मैं कभी भी इतना सिंसियर नहीं रहा, मैंने सिंसियरली सारी चीजें को लिया नहीं था स्टार्टिंग में, तो प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी कि मुझे इसके बाद ये करना है ये करना है, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा अवेयर नहीं था। तो ऑब्वियसली इंजीनियरिंग में जब आए तो हम लोग देखते हैं कि हमारे सीनियर्स क्या कर रहे हैं, साथ वाले क्या कर रहे हैं, तो वही चीजें अपनी फील्ड में हम लोग फिर जाते हैं। तो मैं भी उसी ट्रेंड के या उसी फ्लो में बैठे हुए मैं भी आईएएस की प्रिपरेशन में लग गया था, बट जी फिर मेरा फ्रेंड था उसे उसका पहले से एम था, उसको आईसीएस की प्रिपरेशन करनी, तो उसे लेकर के जब काउंसलिंग हुई तो वो सारी चीजें थी जो मेरे बैक ऑफ द माइंड थी, तो मुझे उस चीजें पता भी चली, तो जी फिर मेरे अंदर वो इंस्पिरेशन फिर से जागा, मैंने फिर डिसाइड किया। तो इवन उसके 5-10 दिन बाद से स्टार्ट हो रही थी वहाँ क्लासेस, मैंने क्लासेस ज्वाइन, तो ग्रेट ये सारी चीजें मतलब उस एक फ्लो में मुझे वापस में जी। कभी फैमिली ने ऐसा नहीं किया कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, और एक रहता है जनरली कि इंजीनियर हो आप, सिविल इंजीनियर हो, और ये क्या ब्यूरोक्रेसी की ओर अचानक जो है सिविल सर्विसेज की ओर मुड़ रहे, कभी कोई ऐसा विरोध नहीं हुआ या किसी प्रकार का कोई ऐसी चीज नहीं हुई? मैं इस मामले में बहुत लकी था, मुझे फैमिली से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, इवन फैमिली से भी और मेरे फ्रेंड सर्कल से भी मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला। तो जी कभी भी फैमिली ने मतलब मैं जब भी जो भी चीज करना चाहा ना, तो उन लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट भी दिखाया, और मुझे मतलब मैं अपने मन की जो भी चीजें करता था घर में बताता था, ऑब्वियसली डिस्कस करते थे, बट एट जी लास्ट जो मेरे लिए ठीक होती उन चीजों में हमेशा मुझे सपोर्ट मिला घर से। तो जब ये भी मैं डिसाइड किया तो मैंने घर वालों को कहा, तो घर में भी मतलब किसी ने अपोज नहीं किया, पापा ने भी सपोर्ट किया कि नहीं हाँ वाकई बहुत अच्छी फील्ड है, तुम जाना चाहते हो लग रहा है तो ग्रेट मुझे बहुत सपोर्ट मिला था फैमिली से सब चीजों में। जी तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था मेरे साथ कि ट्रस्ट वाला पॉइंट, कि जो मेरे लिए हमेशा पूरे लाइफ में भी इंस्पिरेशन बना रहा, कि
और उसके कारण मैं आज यदि इस मुकाम पे हूँ तो ऑब्वियसली वो एक मोटिवेशन बहुत बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑफलाइन जो फंक्शनिंग है वो कोलैप्स हो चुकी है, कोचिंग्स जो हैं वो खुल नहीं रही हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर काम हो रहा है, जैसे अनअकैडमी जैसे हमारे जो चैनल्स हैं वो भी उसमें काम कर रहे हैं कि जितना बेटरमेंट फॉर द स्टूडेंट्स। तो अभी आपके क्या की पॉइंट्स या सजेशंस हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी तैयारी घर रहकर कर रहे हैं, क्योंकि कोई नोट्स नहीं ले गया है, कोई अपनी किताबें नहीं ले गया है, इतना हार्ड एंड फास्ट ये पूरी प्रक्रिया थी कि जो जैसे था वैसे घर भागा है, तो किस तरीके से उनके तैयारी के लिए आपके टिप्स जो है वो काम आ सकते हैं? नहीं, इसके लिए मैं सबसे पहले आप लोग को बहुत मतलब धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने एक वैकल्पिक ऑप्शन अवेलेबल कराया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपको सारे सोर्स आप प्राप्त कर सकते हो, उन चीजों को पढ़ सकते हो। देखिए, ये टाइम ऐसा है ना कि ये मेरे हिसाब से अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है खासकर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि नॉर्मली नॉर्मल फ्लो में जब चीजें चल रही होती है इतना समय कभी मिलता नहीं है तैयारी करने के लिए, खासकर जो फ्रेश बैच होगा, जो पहली फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे होंगे उनके लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि उनको पहली बार पढ़ना चाहिए, उनको बहुत पर्याप्त समय मिल गया है। तो ये समय ये सोच करके कि यार इस टाइम पे तो सारी चीजें बंद चल रही है, हम प्रिपरेशन में नहीं मतलब नहीं कर सकते हैं, इसके बजाय इसे अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना चाहिए। ये जो गोल्डन पीरियड मिला है इस टाइम में हम चीजों को बहुत अच्छे से कई बार रिवाइज कर सकते हैं, एकदम सॉलिड कर सकते हैं सारी चीजों को मेमोराइज करके। तो जो भी उनको ऑनलाइन या जिस भी सोर्स से भी उन्हें डाटा मिल सके वो डाटा क्रिएट करके और उन्हें प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए, टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। और मेरे हिसाब से ऐसा कि किसी भी सोर्स में ना उन्हें ट्रस्ट करना चाहिए, कारण क्या है कि ज्यादातर जैसे मैं देखता हूँ कि कई लोगों में फेलियर और सिलेक्शन में एक बहुत माइन्यूट सी लाइन का डिफरेंस होता है, वो लाइन का डिफरेंस होता है कि आपका एफर्ट या आपके एफर्ट करने की वो क्या प्रोसेस क्या है। जैसे अब कई लोग क्या होते हैं कि कई यहाँ वहाँ 10 जगह के सोर्स, कई मटेरियल्स ये सब क्रिएट करते रहते हैं, और जब आप सारे सोर्स क्रिएट कर लेते हैं तो केवल आपका कंफ्यूजन बढ़ता है और चीजें क्लियर नहीं होती। तो मेरा ये मानना है कि आप किसी भी 10 सोर्स को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि आप एक सोर्स को 10 बार पढ़िए। यदि आप 10 सोर्स को एक एक बार पढ़ेंगे, एक बार उससे स्टडी करेंगे, तो क्या होता है कि आप चीजें समझ जाएंगे बट लगभग लिखने की एक एकदम क्लियर कट आपके पास कॉन्सेप्चुअली वो थॉट प्रोसेस नहीं रहेगी जिससे आप उसको एज इट इज लिख सकें। यदि आप एक ही चीज को 10 बार पढ़ लेते हैं तो चीजें क्लियर हो जाती है और आप बिल्कुल उसको उसी कंडीशन में वैसा वैसा लिखने की स्थिति होते हैं। तो इसलिए सोर्स पर आप भरोसा करिए, ठीक है, कोई भी एक सोर्स डिसाइड कर लीजिए और उस सोर्स पे मेहनत कीजिए, जो भी चीजें जो भी गाइड कर रहे हैं आपके मेंटर्स हैं तो उन सारी चीजों को फॉलो कीजिए, ट्विस्टरीज दीजिए। तो यदि ये सारी चीजें आप प्रॉपर फॉलो करते हैं, स्मार्ट वे में स्टडीज करते हैं, आप सिनॉप्स बनाते हैं, सिनॉप्स बनाना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब एग्जाम जैसे मीएस हो रही है तो मीएस में पर डे एक एक पेपर होता है और सिलेबस इतना ज्यादा होता है कि आप एक दिन में उस पूरे पेपर को रिवाइज नहीं कर सकते हैं। और रिवीजन बहुत जरूरी है, यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो बहुत सी चीजें आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे, इसलिए बहुत जरूरी है आप अभी से सिनॉप्स बनाते हैं, लास्ट में एक इकट्ठा आप सारे सिनॉप्स नहीं बना पाएंगे, कभी चीजें पढ़ते जाए अपने स्नॉप्स बनाते जाए जिससे कि उस एक दिन में हम अपने स्नॉप्स को सब कुछ रिवाइज कर लें तो हम पूरा का पूरा वो मटेरियल पूरा जितना भी सिलेबस उसको रिकॉल कर सकते हैं और जितना ज्यादा रिकॉल कर सकते हैं हम जाएंगे एग्जाम देने ऑब्वियसली हम उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। जी, थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय में देने के लिए, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फ्रॉम द अनअकैडमी फैमिली एंड द स्टूडेंट्स हु दे आर वॉचिंग दिस इंटरव्यू सेशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिली कि डीएसपी पोस्ट के क्या वर्किंग क्या होती है, फिजिकल और जो स्टैंडर्ड्स है वो भी पता लगे, जो कि बहुत दिनों से क्वेश्चन जो है कल लोग पूछ रहे हैं और कई लोगों ने भेजा भी था कि सर उनको आप प्लेटफॉर्म पर लाइए, उनसे भी बात करिए। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना समय देने के लिए। थैंक यू, और आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद, एक बहुत अच्छा इनोवेशन आप लोगों ने स्टार्ट किया है लोगों के लिए इस टाइम पे, खासकर जैसे अभी जो लॉकडाउन की प्रॉब्लम चल रही है जी। तो इस टाइम पे उनके लिए ऑप्शन नया मिला है कि वो लोग ऑनलाइन चीजें स्टडी कर सकते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद से और सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद सर।